हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। बांदा जिले का बदौसा कस्बा उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा कस्बा है जहां परंपरा से हटकर 41वें में 42वें लगातार 2 दिन चेहल्लुम मनाया जाता है। इस मौके पर क्षेत्रीय, ग्रामीण व दूर दराज से आए हुए लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान बड़ी संख्या में युवक युवतियां सामूहिक मरसियां और नेहे पढ़ते हुए सीना पीट पीट कर मातम करते रहे। इसके बाद दूसरे दिन ताजिया को प्रतीकात्मक करबला यानी बागे नदी में सुबुर्दाब मतलब विसर्जित कर दिया गया। करबला के मैदान में इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम की 10वीं तारीख को शहीद हुए शोहदाए करबला की शहादत के 40 दिन बाद मनाया जाने वाला चेहल्लुम उत्तर प्रदेश के एकमात्र इकलौता कस्बा बदौसा जहां परंपरागत तारीख से इतर 2 दिन बाद लगातार 2 दिन तक मनाया जाता है, वहां चेहल्लुम पूरी रस्मों रिवाजों व परंपरा और श्रद्धा के साथ मनाया गया। स्थानीय बुजुर्गों के मुताबिक ताजियेदारी की यह परंपरा सदियों से आबाद है, जिसकी तारीख और सन बताना तो मुश्किल है, असंभव है, ये वहाँ के लोग भी नहीं बता पाए। लेकिन जहाँ तक परंपरा का सवाल है तो इसके पीछे तर्क ये है कि हर जगह की ताजियेदारी के बाद मजमा और भीड़ इकट्ठा करने के उद्देश्य से यहाँ चेहल्लुम हर जगह के बाद दूसरे और तीसरे दिन मनाया जाता है। 2 दिन तक बाजारों में मोहल्लों में खूब भीड़ दिखी, पूरा कस्बा रौनक से भरा रहा, बड़ी बड़ी ताजियां देखने को मिली जो आकर्षक का केंद्र बनी रही। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।